जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आज आप लोगों को स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहे हैं जो पवनों के प्रकार के बारे में। यह जो देखते हैं विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वहाँ भी, सब्जेक्टिव एग्जाम जो होता है वहाँ भी। तो अब यहाँ देखिए कि यह जो है कि यहाँ पे जो है कि पवनों के प्रकार, जो अलग अलग प्रकार के जो पवन है उसके बता रही है, जिसमें से एक स्लाइड तो हम पहले बना चुके हैं जो ग्रहीय पवन का, यानी परमानेंट विंड, यानी कि धरा जो ग्रहीय पवन देखते हैं, जैसे व्यापारिक पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के बारे में पहले स्लाइड बना चुके हैं, जो ठीक इससे पहले वाली वीडियो में है। आज हम आप लोगों को जो है स्थानीय पवन को बताने जा रहे हैं। तो देखिए, और मौसमी पवन को तो देख रहे हैं कि पहला जो है कि मौसमी पवन है, मौसमी या सामिक पवन। मौसमी पवन को ही सामिक पवन कहते हैं। जैसे मौसमी पवन उसको कहते हैं जो देखते हैं मौसम में परिवर्तन के साथ वायु में जो परिवर्तन होती है, वैसे पवन को मौसमी पवन कहते हैं। जिस प्रकार से देखते हैं समसामयिक जो देखते हैं, जिसमें खास करके देखिए मानसूनी पवन, स्थलीय समीर, सागरीय समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, तो यह सभी जो है कि सामिक या मौसम पवन है, मौसमी पवन है। तो सबसे प्रथम आइए मानसूनी पवन पे। जो मानसूनी विंड्स जो देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, मौसम मानसूनी विंड तो और ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे देखिए मानसूनी पवन, मानसून क्या है, एक पवन है, वायु है। और किस वायु को मानसूनी पवन कहते हैं, तो मानसूनी पवन उस वायु को कहते हैं जो मौसम के परिवर्तन के साथ साथ, वायु जब अपनी दिशा में परिवर्तन करती है तो वैसे पवन को मानसूनी पवन कहते हैं। इस पवन की सबसे प्रथम बार खोज आपको अरबियन भूगोलवेता, जो अरबियन स्कॉलर जो थे अल मसूदी, उन्हीं के द्वारा यह खोजी गई थी। और यह जब आए थे अरब सागर में, तो उन्होंने देखे कि 6 महीना अरब सागर के तरफ से जो है कि भारत की तरफ हवा चलती है, और 6 महीना जो होता है कि अस्थल से सागर की तरफ हवा चलती है। और यह परिवर्तन को जब उन्होंने आकलन किए तो इसी का नाम उन्होंने मानसून रखे। तो यह देखते हैं तो अब कब यह मानसूनी पवन जो होती है, कब अस्थल से सागर की तरफ चलती है और कब सागर से अस्थल की तरफ। देखिए, जब स्थलीय भाग गर्म हो जाती है, तो स्थलीय भाग कब गर्म होगी, तो स्थलीय भाग क्योंकि यह जो भारत जो देखते हैं कि यह जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ग्रीष्म काल में यानी अप्रैल मई के महीना में जो देखते हैं कि स्थलीय भाग पूर्ण रूपेण गर्म हो जाती है। और जब यह गर्म होती है तो यह वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और जब यहाँ की वायु ऊपर उठ जाती है तो नीचे एलपी का बेल्ट हो जाता है। इसके अपेक्षा सागरीय क्षेत्र में जो देखते हैं कि एचपी का बेल्ट रहता है। तो ग्रीष्म काल में जो होता है कि सागर से स्थल के तरफ हवा चलने लगती है, लेकिन जैसी शीतकाल आती है तो अब स्थलीय भाग जो होता है एचपी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और सागरीय भाग जो होता है, सागरीय क्षेत्र, वह एलपी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लो प्रेशर में। तो अब जो है कि स्थल के तरफ से सागर की तरफ हवा चलने लगती है, जो शीतकाल में देखते हैं। तो यही ऐसा ही चलने वाली जो हवा होती है उसको मानसूनी पवन कहते हैं। और विश्व में सबसे उत्तम उदाहरण भारतीय मानसून को दी जाती है, यानी जो यह आदर्श दशा है मानसून की, जो देखते हैं यहाँ की जो देखते हैं, खास करके मानसूनी पवन जो है
मानसूनी बिंद आपको कर्क और मकर रेखा के बीच में देखी जाती है, यानी ऐसी जो परिवर्तन होती है वायु के नेचर में वह कर्क और मकर के बीच की जो पेटी होती है वहां पे, यानी कि यह जो हो गई कहां की, तो व्यापारिक जो देखे कि परमानेंट बिंद वाली जो व्यापारिक वाणिज्यिक पवन है, तो उसी पेटी में जो लोकल मौसम के परिवर्तन के कारण जो बिंद उत्पन्न होती है जो, उसको मानसूनी पवन कहते हैं। तो इसने इसे देखे, अब चलिए आगे देखिए, यानी यह जो होता है कि जो देखते हैं कि दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में मानसूनी जो वायु होती है, पवन होती है, उसके उत्पत्ति के लिए आदर्श दशा है। यानी दक्षिणी एशिया यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, यह सभी जो देखते हैं दक्षिणी एशिया का है, और दक्षिणी पूर्वी एशिया देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तो यह ब्रुनोई, और चीन का जो देखते हैं कि दक्षिण पूर्व वाली जो हिस्सा है, तो यह क्षेत्र जो देखते हैं वह मानसूनी क्षेत्र पवन के क्षेत्र में आती है, तो यहां जो होती है उसके आदर्श है। अब दूसरा देखिए, स्थलीय समीर एवं सागरीय समीर। तो स्थलीय समीर और सागरीय समीर का जो होता है, यह आपको समुद्र तटीय जो क्षेत्र होती है वहां देखा जाता है, क्योंकि सागर में जो जल होती है स्थल के ऊपर जो होती है मिट्टी सॉइल जो होती है, तो यह प्रकृति में जो देखी गई है कि यह नेचर है प्रकृति का कि जल जो होता है बहुत लेट से गर्म होता है, उसके तुलना में स्थल जो होता है कि जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो जल्दी गर्म हो जाएगा वह क्षेत्र एलपी में हो जाता है, जो देर से गर्म होता है वह एचपी में हो जाता है, और जो जितना जल्दी गर्म होता है वह उतना जल्दी ही ठंड हो जाती है, जो देर से गर्म होती है वह देर से ठंडा होता है। तो यह देखें तो क्या होता है कि जब कोस्टल रीजन में जब हम जाते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र में, तो दिन के समय जो सूर्य की प्रकाश यानी सोलर एनर्जी जो आती है, तो उस सोलर एनर्जी से सूरज का प्रकाश जब सागर पे और स्थल पे दोनों पे जब इक्वल लगती है, तो क्या होता है स्थलीय भाग तेजी से गर्म होके, यानी कि यहां हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है, तो नीचे वाली क्षेत्र जो होती है एलपी में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि उसके तुलना में सागरीय क्षेत्र अभी ठंडी है, तो सागरीय क्षेत्र में एचपी का बेल्ट होता है। तो दिन के समय में सागर से स्थल के तरफ हवा चलने लगती है, लेकिन जैसी रात्रि के समय में होती है तो स्थल तो तेजी से गर्म हुआ था, तो अब स्थल जो है कि तेजी से ठंडा हो जाता है, और जल जो है लेट से गर्म हुआ था तो वह लेट से ठंडी होती है, जिसके कारण रात्रि के समय में जो देखते हैं स्थल के ऊपर एचपी का बेल्ट हो जाता है, और उसके तुलना में सागर के ऊपर एलपी का बेल्ट होता है, क्योंकि सागर गर्म रहती है उस समय रात्रि के समय में। तो रात्रि के समय में अब क्या होता है कि स्थल से सागर के ऊपर हवा चलने लगती है, जब स्थल से सागर के ऊपर रात्रि के समय में हवा चलती है तो उसको कहते हैं स्थलीय समीर। दिन के समय में सागर से स्थल के ऊपर हवा चलती है उसको कहते हैं सागरीय समीर। अब यह हवा क्यों चलती है तो आपको पता चल गई, तो यही है स्थलीय और सागरीय समीर। और यह स्थलीय मतलब कि कोस्टल रीजन में आपको प्रतिदिन यानी नित प्रतिदिन ऐसी क्रियाकलाप आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अगला देखिए, अब अगला जो है कि आपका है पर्वत समीर एवं घाटी समीर। तो आप इसको समझिए,
जब घाटी वाली यानी पर्वतीय क्षेत्र में है, जब हम रहते हैं, तो दिन के समय में जब सूर्य के प्रकाश घाटी के ऊपर जब लगती है तो क्या होता है कि घाटी वाली हवा जो होती है गर्म हो जाती है, यानी कि यह जो किना उसका जो ढाल होता है वो ढाल वाली हवा गर्म होती है और ढाल के सहारे हवा गर्म होकर ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार क्या है कि हवा ऊपर चढ़ जाती है। दिन के समय जो है घाटी से हवा जो है पर्वत के शीर्ष के तरफ चलने लगती है, क्योंकि घाटी दिन में गर्म हो जाती है इसके कारण। अब क्या होता है कि रात्रि के समय में पर्वत की जो शीर्ष होती है वह रेडिएशन के कारण तेजी से ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद वह घाटी के सारे वह नीचे बैठने लगती है ठंड हवा। तो जब हवा शीर्ष से नीचे की तरफ बैठती है जो रात्रि के समय में, तो उसको कहते हैं पर्वतीय समीर। दिन के समय में घाटी से पर्वत के शीर्ष के तरफ हवा चलती है उसको कहते हैं घाटी समीर। तो यह देखे जो ढालुआ पर्वत होती है वहां पे इस प्रकार के देखने के लिए मिलेगी जो घाटी वाली। तो दिन के समय क्या होगा, नीचे से हवा ऊपर की तरफ जाएगी शीर्ष के तरफ, तो जो घाटी समीर हो गई। रात्रि के समय हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठेगी जिसके कारण वह पर्वतीय समीर होगी। और रात्रि के समय में जो होता है कि तापमान बहुत तेजी से गिर जाती है जिसके कारण वह घाटी वाली क्षेत्र में जो फसल देखते हैं उसको बर्बाद कर देती है। इससे बचने के लिए ही देखिएगा कि आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यह सभी जो क्षेत्र देखते हैं वहां पे जो बागान लगाई जाती है वह पर्वतीय ढाल पर लगाई जाती है। तो यह देखें कि ऊष्मा के विकिरण के कारण ऐसी, तो अब तो ही समझ में आ गई। चलिए अब अगला जो चलते हैं वह लोकल विंड के तरफ, यानी स्थानीय पवन। तो जैसे देखते हैं स्थानीय पवन, तो यह पूरे पृथ्वी को देखते हैं, पूरे पृथ्वी में के ऊपर जब देखते हैं तो अलग अलग टाइप का लैंड फॉर्म है, यानी स्थलाकृति है, और अलग अलग स्वभाव की स्थलाकृति होने के कारण यहाँ पे जो होती है वायु के नेचर में भी परिवर्तन हो जाती है। लोकल विंड जो होती है आपको छोटे छोटे स्तर पे दिखाई पड़ेगी, उसकी प्रभाव जो होती है जो ओरिजिन स्थल होती है बस वही दिखती है, बहुत बृहद क्षेत्र नहीं होता है। लोकल विंड जो चलती है वह क्षोभ मंडल के निचले सीमा में, यानी कह सकते हैं स्थलीय सतह जो होती है सतह पे ही जो देखने के लिए मिलती है कि लोकल विंड का प्रभाव देखा जाता है। तो यह जो पवन अगर लोकल विंड गर्म होती है तो जिस मार्ग से प्रवाहित होती है उस क्षेत्र को गर्म कर देती है, अगर वह विंड आर्द्र होती है तो वर्षा कर देती है, अगर वह विंड ठंड होती है तो उस क्षेत्र के तापमान को गिरा देती है, अगर वह क्षेत्र जो है हिम कण को लेके प्रवाहित होती है तो हिमवृष्टि के तौर पर देखते हैं। तो इस प्रकार से जो देखने के लिए मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं, तो इतना तो ध्यान रखना है कि लोकल विंड जो होगी कि वह क्षोभ मंडल के निचली सीमा जो होती है इसका प्रभाव वहीं तक सीमित होती है। तो चलिए आगे चलते हैं लोकल विंड की प्रकार के तरफ देखते हैं। प्रथम एक लोकल विंड जो देखते हैं चिनुक है, एक चिनुक लोकल विंड है। चिनुक देखिएगा कि यह जो होता है उष्ण शुष्क हवा है, और यह उष्ण शुष्क हवा जो है कि आप उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पे जो देखते हैं रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के सहारे पूर्वी ढाल के तरफ ऊपर से नीचे की तरफ बैठने वाली उष्ण शुष्क हवा जो होती है उसको चिनुक कहते हैं।
इस हवा की टेम्परेचर इतना तीव्र गति से जब ऊपर से बैठेगी जो हवा, तो उसकी डेंसिटी में जो होती है घनत्व में वृद्धि होगी, क्योंकि ऊपर से जब बैठ रही है तो घनत्व में वृद्धि होने के कारण उस हवा की तापमान में वृद्धि हो जाती है और वह हवा शुष्क है। और जिस मार्ग में वह प्रवाहित होती है वह शीतकाल का समय होता है, तो शीतकाल में वहां हिम से ढका हुआ सरफेस रहता है जिसमें देखते हैं कैलोरेडो का दक्षिणी भाग देखते हैं, उत्तरी अमेरिका का जो देखते हैं कि उत्तर के कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया तक यह प्रवाहित होती है जो देखते हैं, तो वहां क्या होता है कि यह हिम से ढका हुआ सतह रहता है। जैसे यह उष्ण आर्द्र हवा का प्रभाव यानी उस क्षेत्र में आगमन होती है तो बर्फ जो होती है वह पिघल जाती है, और शीतकाल में जो बर्फ की जमी थी वह पिघल जाती है, और बर्फ के पिघलने के कारण उस भूमि के ऊपर घास का बहुत सारी घास जो देखते हैं वनस्पति जो है उगाती है, जिसको चारागाह भूमि के तौर पे भी चिन्हित की जाती है। तो देखिए कि तो अगर यह चिनूक जो देखते हैं जिसके कारण इस चिनूक को कहा जाता है, क्योंकि हिम जो है कि खत्म हो जाती है चिनूक के आगमन के कारण, इसलिए अगर आपसे पूछे कि हिम भक्षी किसको कहा जाता है तो चिनूक को कहा जाता है। चिनूक जो होता है कि हिम को समाप्त कर देती है, इसके कारण इसको हिम भक्षी कहा जाता है। चिनूक का प्रभाव क्षेत्र आपने देखा जो उत्तरी कर्नाटक का जो है देखते हैं उस क्षेत्र में है, कोलोरेडो का जो पठारीय क्षेत्र देखते हैं तो यह क्षेत्र में है, तो यहाँ जो देख लिए कि वहां पे चिनूक का प्रभाव क्षेत्र होता है, चिनूक का नेचर होता है उष्ण शुष्क। चलिए अब देखिए दूसरा हवा जो है फौन है, यह चिनूक के समान ही नेचर रखती है, यानी चिनूक जिस चिनूक जो देखते हैं कि यह जो था कि उष्ण शुष्क हवा थी, तो फौन भी जो है कि उष्ण शुष्क हवा ही है, लेकिन इसका प्रभाव क्षेत्र जो है यूरोपीय क्षेत्र में है। यूरोप में जो आल्प्स पर्वत देखते हैं तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के तरफ जो उष्ण शुष्क हवा जब उत्तरी ढाल के सहारे नीचे उतरती है तो वहां का मौसम भी जो होता है कि गर्म कर देती है, और इसका सबसे अधिक प्रभाव जो होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि फोन हवा का जो सबसे अधिक प्रभाव क्षेत्र जो होता है वह स्विट्जरलैंड को प्रभावित करती है। स्विट्जरलैंड के पास भी जो शीतकाल में जो बर्फ का नीचे पे यानी जो हिम वृष्टि हुई थी, वह बर्फ का जो यानी कि परत जो थी वह जैसी फोन की आगमन होती है तो वह बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघलने के बाद जो देख जैसी जो हुआ कि वह तो मौसम अब गर्म हो गई, तो उस फेज में जो होता है कि उस क्षेत्र का जो फसल होती है खास करके वहां का फसल देखिएगा अंगूर, यानी जो ग्रेप्स को देखते हैं जो अंगूर है वहां की प्रमुख फसल में से आती है बागवानी फसल, वह अंगूर पकना प्रारंभ कर देता है। तो फौन के आगमन से आपने देखा कि अंगूर के लिए यह वरदान साबित होती है। इसका प्रभाव क्षेत्र आपने देखा स्विट्जरलैंड जो आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के तरफ स्थित है इसकी प्रभाव, जबकि रॉकी पर्वत के आप दक्षिणी आप पूर्वी ढाल के तरफ आप देखते हैं तो चिनूक है, दोनों का नेचर इक्वल है। तो चलिए अगला आप चलते हैं, अगला जो है कि वह है सिरोको। यह जो है कि यह गर्म शुष्क रेगिस्तानी हवा है, जो रेगिस्तान से जब हवा प्रवाहित होती है तो रेगिस्तान जो होता है ढीला कण वाला सरफेस होता है, तो अपने साथ क्या करता है कि बहुत सारा रेत का कण उड़ाकर सिरोको लेके चलती है, क्योंकि इसका ओरिजिन स्थल जो है सहारा रेगिस्तान है, और सहारा रेगिस्तान से यह धूल भरा आंधी को लेकर यह चलती है भूमध्य सागर की तरफ, और जब यह सहारा से ओरिजिन होती है उस समय इसकी नेचर होती है उष्ण शुष्क,
क्योंकि पानी की अभाव होता है, लेकिन जैसी यह हवा भूमध्य सागर के पास प्रवेश करती है तो भूमध्य सागर से आर्द्रता को ग्रहण कर लेती है, और आर्द्रता ग्रहण करके जब यह आगे बढ़ती है तो आगे इसको मिलती है इटली और स्पेन। और इटली और स्पेन में जो यह आर्द्रता जो होती है बारिश के रूप में यानी संघनन होके वर्षा करती है, तो वर्षा के साथ साथ क्या है कि इसने रेगिस्तान से जो लाल लाल कण को उड़ाकर लेके आया था, तो अब उस वर्षा के साथ साथ वह लाल कण भी जो देखते हैं जो रेत होता है लाल रेत, वह बारिश के बूंद के साथ वह सरफेस पे नीचे गिरती है, जिसके कारण इसको जो है कि रक्त वर्षा यानी रे ब्लड रेन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो सिरोको को देखते हैं इटली में इसको क्या कहा जाता है, ब्लड रेन यानी खून वर्षा यानी रक्त वर्षा। रक्त वर्षा क्यों कहा जाता है, तो सहारा मरुस्थल से जो लाल कण को उड़ाकर लेके आई थी उसका जो है कि वर्षा के बूंद के साथ साथ इटली में बारिश कर देती है और उसके साथ गिरती है, जिसके कारण इटली का जो बागान वानी कृषि होती है और बहुत सारी जो फसल उस समय लगी होती है वह फसल को बृहद पैमाने पे क्षति पहुंचती है। तो आपने देखा कि यह सिरोको हवा जो है क्या है, बागवानी कृषि के लिए यह अभिश्राप है, यानी बृहद पैमाने पे यह विनाश करता है। तो आपने ब्लड रेन तो आपने अब समझ में आ गई। इसी हवा को सहारा से जब चलती है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, जिस समय तक यह जब तक यह भूमध्य सागर में नहीं प्रवेश करते तब तक यह उष्ण शुष्क ही होती है, तो मिस्र लीबिया और ट्यूनिशिया होते हुए यह हवा जाती है जिसमें इसका नाम सिरोको कहा जाता है। मिस्र लीबिया और ट्यूनिशिया में इसको सिरोको कहा जाता है, वहां पे स्थानीय नाम इसको खमसीन, अगर खमसीन भी कहे तो उसी क्षेत्र में देखते हैं जो मरुस्थलीय हवा है उष्ण शुष्क होती है, गिबली चिली या देखते हैं। उसके अपेक्षा जो देखते हैं कि स्पेन अथवा कनारी जो द्वीप देखते हैं चाहे मेरिडा द्वीपों के ऊपर जब इसका जो है सिरोको का स्थानीय नाम जो है लेबेस व लेस्ट है। लेकिन खास करके यहां जो क्वेश्चन पूछी जाती है ब्लड रेन से, तो ब्लड रेन किससे, तो सिरोको का कहा जाता है। मिस्र में जब इसकी पूछी जाती है वह भी पूछा जाता है तो खमसीन लोकल नाम है गिबली चिली, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब एक है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर भी जो देखते हैं यह जो है लोकल विंड है ब्लैक रोलर। तो ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका का जो विशाल मैदानी क्षेत्र है यानी अमेरिका का जो बीच वाली जो क्षेत्र देखते हैं सेंट्रल अमेरिका, तो वह विशाल मैदानी क्षेत्र है जहां से कोलोरेडो नदी और मिसिसिपी मिसोरी प्रवाहित होती है, तो वह विशाल मैदानी क्षेत्र है। वहां पे जो गर्म एवं शुष्क हवा जो होती है धूल भरी जो हवा है चलती है उस हवा को ब्लैक रोलर कहा जाता है। यानी ब्लैक रोलर का प्रभाव क्षेत्र कहां है, तो मध्य अमेरिका का जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र में उष्ण शुष्क हवा जो प्रवाहित होती है उसको ब्लैक रोलर कहते हैं। अब आगे देखिए योमा है, तो योमा देखते हैं योमा जो है कि यह जापान में चलती है, इसका नेचर जो है कि गर्म और शुष्क होती है, यानी योमा जो है कि वह जापान का लोकल विंड है, इसका भी नेचर है कि गर्म और शुष्क, और यह जो है कि उत्तरी अमेरिका का जो देखते हैं सेंटा एना यानी सेंटा एना जो वायु है उसके समान ही है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ रहता है नेचर उसकी प्रकृति,
तो योमा की प्रकृति जो है उष्ण शुष्क है, और योमा जो कहां प्रभाव डालती है तो जापान में। अब अगला देखिए टेम्पोरल, टेम्पोरल जो देखते हैं यह मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है, यानी मध्य अमेरिका में जो देखते हैं मानसूनी हवा जो चलती है उसको टेम्पोरल कहते हैं। जैसे आप मैक्सिको की खाड़ी से चलने वाली जो हवा होती है वही मध्य अमेरिका की तरफ चलती है, तो वहां जो देख रहे हैं कि वह भी क्या है मानसूनी हवा है, यानी कि यह मानसूनी हवा जैसी हुई है टेम्पोरल, तो इससे क्या पता चलेगा कि यह अपना नेचर परिवर्तन करते रहता है, तो यह मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी हवा है। अगला देखिए सीमोम है, सीमोम जो है कि आपको अरब का जो रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है जो अपने साथ रेत का कण भी उड़ाकर लेके जाती है, और इसमें रेत की मात्रा इतना अधिक होता है कि उस समय जब यह सीमोम जब चलती है उस पेज में वहां दृश्यता जो होती है विजुअलिटी गिर जाती है यानी खत्म हो जाती है, यानी डस्ट की मात्रा इतना अधिक होती है उस हवा में। और तो यह हवा आप देख रहे हैं कि सीमोम कहाँ की हवा है, तो सऊदी अरब में चलने वाली जो मरुस्थलीय है हवा है, उष्ण शुष्क हवा जिसके साथ धूल भरी आंधियां चलती है। अब देखिए कि अगला जो है कि वह सामून है, यह जो है इराक और ईरान के कुर्दिस्तान में चलने वाली स्थानीय हवा है। इराक और ईरान का जो कुर्दिस्तान है वहां पे जो स्थानीय हवा चलती है जो फोन के समान होता है विशेषता रखती है, यह भी उष्ण और शुष्क ही है। तो आप देखें, चलिए अब देखिए अगला हवा सामल। सामल भी देखते हैं कि इराक और ईरान और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली गर्म शुष्क रेतीली हवा है, यानी सामल को भी याद रखिएगा कि क्या है अरब इराक ईरान के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली उष्ण शुष्क हवा जो मरुस्थल के ऊपर, जो उष्ण शुष्क होगी तो वह क्लियर है कि मरुस्थल के ऊपर से प्रवाहित हो रही है, जब मरुस्थल के ऊपर से प्रवाहित होगी तो उसकी आर्द्रता तो होगी नहीं और वह अपने साथ रेत को उड़ा के ले जाती है। तो आपने देखा सामल जो है कि यह तो समझ में आ गई उसकी नेचर को, सिस्टन है तो यह जो है कि पूर्वी ईरान में ग्रीष्म काल में प्रवाहित होने वाली तीव्र पवन है, यानी पूर्वी ईरान में ग्रीष्म काल में जो तीव्र गति से जो प्रवाहित होती है जो हवा उसको सिस्टन कहते हैं, हबूब। देखिए अगला है क्या है हबूब, तो यह जो है उत्तरी सूडान, आप देखते हैं अफ्रीका महादेश में सूडान है, जो यहां से नील नदी को देखिएगा कि एक शाखा को मिलती है ब्लू नील, तो वहां देख रहे हैं कि सूडान, तो सूडान को दो भाग में टूट गई है, एक उत्तरी सूडान है दूसरा दक्षिणी सूडान। तो उत्तरी सूडान में जो खारतूम है यानी वहां की राजधानी जो देखते हैं खारतूम, तो खारतूम के पास जो चलने वाली धूल भरी आंधियां है यह भी जो है कि आपको कहां से, तो रेगिस्तान से ही निकलती है क्योंकि सहारा का बेल्ट में आता है, तो यह उत्तरी सूडान में धूल भरी जो आंधी चलती है उसको कहते हैं हबूब, जो कि क्या होता है कि दृश्यता को यानी कि गिरा देती है कम कर देती है, और इस हवा से कभी कभी जो होता है त्वरित झंझावत वर्षा होती है, यानी हबूब के माध्यम से जो है सूडान में उत्तरी सूडान जो देखते हैं तो उत्तरी सूडान में त्वरित झंझावत यानी थंडर स्टॉर्म रेनफॉल होती है, और इससे जो है कि नील नदी को देखते हैं कि जो है वाटर यानी पानी मिलती है। अब देखिए काराबुरान, काराबुरान जो है यह मध्य एशिया की तामीर बेसिन में यानी सेंट्रल एशिया जो देख रहे हैं तो वहां पे एक बेसिन तामीर बेसिन है,
उस तामीर बेसिन में उत्तर पूरब की ओर से यानी उत्तर पूरब से चलने वाली, तो क्लियर है कि वह हवा जो देख रहे हैं कि शुष्क होगी, और धूल से जब वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र मध्य एशिया भी देखते हैं, वह मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो जब वहाँ से हवा चलती है तो धूल लेकर ही आएगी। तो काराबुरान जो है कहाँ से, तो तामीर बेसिन में जो देखते हैं उत्तर पूरब की तरफ से प्रवाहित होने वाली धूल भरी आंधिया को काराबुरान कहते हैं। अब देखिए कोइम बैंक, तो यह फोन के समान जावा द्वीप जो देखते हैं यानी इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है, तो उस जावा द्वीप पर कोइम बैंग एक लोकल विंड चलती है, जो इंडोनेशिया का जावा और सुमात्रा देते हैं तो वही जावा पे जो देखते हैं कि जावा पे इंडोनेशिया का घना बसा हुआ क्षेत्र है और कृषि के दृष्टिकोण से वह धनी है और वहां का प्रमुख एक फसल में से तंबाकू आता है। तो जब यह कोइम बैंग जो देखते हैं कि हवा जब चलती है तो तंबाकू के फसल को बृहद पैमाने पे नुकसान पहुंचाती है। तो अब आपको पता चला यह कोइम बैंग जो हवा है कहां की है, तो इंडोनेशिया की जावा द्वीप पे प्रवाहित होती है। चलिए हरमट्टन एक प्रमुख हवा है, हरमट्टन को ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हवा है। यह भी सहारा मरुस्थल से ओरिजिन होती है, लेकिन सहारा मरुस्थल से यह चलकर उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम के तरफ यह प्रवाहित होती है, और यह जो होती है उष्ण शुष्क होती है और अपने साथ बहुत सारे धूल की कण को लेके चलती है। लेकिन जैसे यह हवा गिनी के तट के पास पहुंचती है तो गिनी के तट पर उस समय उष्ण आद्र जलवायु होती है, और उष्ण आद्र जलवायु जो होती है बहुत ही घातक जलवायु के तौर पे होती है, यानी उस फेज में देखिएगा कि आदमी को रोगी बना देता है। सबसे ज्यादा अगर बीमार होता है आदमी तो आपको उष्ण आद्र मानसून वाला उष्ण आद्र क्षेत्र जब जलवायु होती है उस फेज में ही, जिस प्रकार भारत में देखते हैं जुलाई और अगस्त के महीना में उस समय उष्ण आद्र होती है, उमस भरा मौसम होता है, लोगों का शरीर देखते हैं कि पूरा फोड़ा फुंसी से फिसल जाता है, तो ऐसा ही स्थिति जो है कि आपको गिनी के तट पे देखने के लिए मिलती है जो उष्ण आद्र हवा रहती है। लेकिन जैसे हरमट्टन की प्रवेश वहां पे होती है तो उसकी आर्द्रता को गिरा देती है, यानी यह हवा उष्ण शुष्क हवा है तो यह उसकी आर्द्रता को शोषित कर लेती है, और उसकी आर्द्रता को शोषित करने के कारण उसकी आर्द्रता गिर जाती है, और आर्द्रता गिरते ही वहां के लोगों में देखते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वह अच्छा फीलिंग करता है, यानी कि अब वह बीमार कम होने लगती है, जिसके कारण गिनी के तट के पास हरमट्टन को डॉक्टर बिंद कहा जाता है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से वह उपचार कर देती है। जैसे आपने देखा कि क्या है कि उसकी आर्द्रता गिर गई, क्योंकि यह उष्ण शुष्क थी, आर्द्रता गिरी तो वहां की जो है कि हवा जो होता है कि मानव के अनुकूल हो जाती है, गिनी तट पे लोग अच्छे से वहां कार्य, तो यही कारण है कि गिनी के तट पे हरमट्टन को डॉक्टर बिंद कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देता है कि डॉक्टर बिंद किस मट्टन को कहा जाता है, हरमट्टन को कहां पे डॉक्टर बिंद कहा जाता है, तो गिनी के तट के पास हरमट्टन को डॉक्टर बिंद कहा जाता है। डॉक्टर बिंद क्यों कहता है वह तो आपको बता ही चुके हैं, उसी हरमट्टन को सहारा में जब देखते हैं उष्ण शुष्क होके या गिनी के तट के तरफ प्रवाहित होती है तो उस समय उसको हरमट्टन कहते हैं। चलिए अगला देखिए ब्रिक फील्डर है। ब्रिक फील्डर जो है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत जो देखते हैं वहां चलने वाली उष्ण शुष्क हवा को ब्रिक फील्डर कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेटर मरुस्थलीय क्षेत्र है
यानी विक्टोरिया प्रांत का बड़ा सा हिस्सा जो है मरुस्थलीय है, उष्ण शुष्क है, तो वहां जो हवा चलती है उष्ण शुष्क हवा उसको ब्रिक फील्ड कहते हैं, ब्रिक फील्डर कहते हैं, जो उष्ण शुष्क होती है। चलिए अगला हवा देखिए नॉर्वेस्टर है। नॉर्वेस्टर जो है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में देखिएगा न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्सा में गर्म शुष्क चलने वाली जो हवा है उसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर का नेचर कहती है उष्ण शुष्क है, कहां चलती है तो न्यूजीलैंड के उत्तरी हिस्सा में। अब एक देखते हैं लू, तो लू से आप लोग परिचित होइएगा। भारत में जो गंगा प्लेन जो देखते हैं यानी गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है वहां पे देखिए ग्रीष्म काल में यानी अप्रैल और मई के महीना में एक हवा चलती है जो पश्चिम से पूरब की तरफ, उसकी नेचर होती है उष्ण होती है और शुष्क होती है और बहुत तेज से चलती है, और यह उष्ण शुष्क जो होती है तो उससे जब आदमी के जो बॉडी से संपर्क होता है तो उसके बॉडी के जो पानी जो होता है उसको वह सोख लेता है, जिसके कारण उसको लोग क्या कहते हैं कि लू लग गई। तो आप देख रहे हैं कि लू कहां चलती है तो गंगा प्लेन में पश्चिम से पूरब की तरफ चलने वाली उष्ण शुष्क हवा को, जो चलती है कब तो अप्रैल मई के महीना में। क्लियर? आपने कभी नहीं सुना होगा कि केरला वाला को लू लग गया, उड़ीसा वाले को लू लग गई। लू जब भी आपने सुना है तो यूपी बिहार हरियाणा दिल्ली इस रीजन में लगती है, क्योंकि यह गंगा प्लेन में चलने वाली। राजस्थान, इसको ताप लहरी भी कहते हैं। चलिए अब अगला लोकल बिन देखिए सेंटा आना है। सेंटा आना जो है कि वह जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर पे देखते हैं कैलिफोर्निया घाटी है, तो उस कैलिफोर्निया घाटी में गर्म और शुष्क चलने वाली हवा को सेंटा आना कहते हैं। यानी गर्म और शुष्क जो कैलिफोर्निया घाटी में चलने वाली जो हवा है उसको क्या कहते हैं, सेंटा एना। अब अगला देखिए जोंडा है। यह जो देखते हैं कि अर्जेंटीना और उरुग्वे के जो एंडीज के पूर्वी छोर के तरफ जो मैदानी भाग है वहां पे जो चलने वाली हवा है जो होती है यह उष्ण शुष्क होती है, जो शीतकाल शीत फोन भी कहलाता है, यानी यह ठंडा होता है हवा, शीत शुष्क होती है, जो एंडीज पर्वत के कितने तो दक्षिणी ढाल के तरफ आप देखते हैं एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल के तरफ से उतर के यह कहां चलते हैं, उरुग्वे और अर्जेंटीना के मैदानी भाग में यानी पंपास रीजन जो देखते हैं वहां पे। जो आप जानते हैं पंपास जो है वह दुनिया में बीफ का बड़ा निर्यातक मंडी है वहां पे। तो ये देख रहे हैं जहां की घास जो देखते हैं बहुत। अब देखिए कि क्या है, मिस्ट्रल है, तो यह एक ध्रुवीय हवा है। अब ध्रुव के तरफ से जो हवा चलेगी वह शीत शुष्क होगी, और यह ध्रुवीय ठंडी हवा चलती हुई राइन नदी की घाटी की ओर चलती है और वहां से आगे बढ़ते हुए रूम सागर की तरफ चलती है यानी भूमध्य सागर की तरफ, और फ्रांस का जो क्षेत्र होता है उसके बृहद क्षेत्र को यह प्रभावित करती है। और फ्रांस के बृहद क्षेत्र में क्या होता है कि उस समय तापमान जो होता है हिमांक से नीचे गिरा देती है, यानी कि जो कह सकते हैं कि 0 डिग्री से नीचे तापमान गिर जाती है मिस्ट्रल के आगमन से। तो अब आपको अगर पूछा जाए कि मिस्ट्रल के आगमन के से कहां पे गिरती है, तो आप देखते हैं राइन घाटी क्षेत्र जो है और जो फ्रांस का जो क्षेत्र है स्पेन और फ्रांस वाली जो उसके प्रभाव क्षेत्र में जब आती है तो तापमान हिमांक से नीचे गिर जाती है।
अब देखिए बोरा है तो यह मिस्ट्रल के समान ही है, यह एक शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी हवा है। यानी बोरा भी क्या है, एक ठंडी हवा है। जो आप देखिएगा एड्रियाटिक सागर यानी इटली के पास जो के देखिएगा यूनान जो है उससे ऊपर एक सागर है एड्रियाटिक सागर, तो उस एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलने वाली जो बोरा हवा है जिससे सबसे अधिक प्रभावित होता है इटली और यूगोस्लाविया वाली जो रीजन है, तो यह बोरा से प्रभावित होती है। जो हवा कैसी होती है तो शीत शुष्क होती है, जो एड्रियाटिक सागर के सहारे पूर्वी किनारे पे चलती है। अब देखिए एक हवा है ब्लिजर्ड या हिम झंझावत, तो यह जो देखते हैं इसमें जो होता है हिम का कण होता है, यह ध्रुव के तरफ से चलने वाली हवा है। और ब्लिजर्ड का प्रभाव जो होता है वह आप देखिएगा साइबेरिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का वाली जो एरिया देखते हैं तो वह सभी क्षेत्र जो होता है ब्लिजर्ड के प्रभाव क्षेत्र में होता है। वहीं पे देखते हैं कि एक प्रजाति रहती है जिसको कहते हैं कौन, एस्किमो, जिसका घर ही होता है बर्फ का, तो वही ब्लिजर्ड के समय जो देखते हैं आगमन में तापमान बहुत गिरा देती है। यह इसका सबसे उत्तम प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा साइबेरिया क्षेत्र में, जब यह जाती है तो इसका नाम वहां स्थानीय नाम जो है पुर्गा व बुरान है। यानी साइबेरिया में ब्लिजर्ड को क्या कहा जाता है, बुर्गा या बुरान। इसकी नेचर कैसी है तो शीत शुष्क है, इसके साथ हिम की कण चलते रहती है। अगला देखिए अब क्या है, नार्दर है। नार्दर जो देखते हैं यह संयुक्त राज्य अमेरिका में शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली ध्रुवीय पवन है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में ध्रुव के तरफ से जो पवन प्रवाहित होती है तो उसको नार्दर कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ध्रुवीय वाता प्रभाव होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के तापमान को गिरा देता है। तो आपने देखे जैसे आप अपने भारत में भी देख सकते हैं जिसको शीत लहरी कहते हैं, तो यह भी चलती है किधर, ध्रुव की तरफ से, जैसे देखते हैं ना साइबेरिया की तरफ से यह हवा चलती है। और भारत में जो देखते हैं कि दिसंबर और जनवरी के आसपास उसकी आगमन होती है, जैसे उसकी आगमन होती है तो भारत में जो गंगा प्लेन में जो देखते हैं हिमालय रीजन में जो देखते हैं उसके ठीक हो, तो यहाँ पे तापमान गिर जाती है तेजी से। अभी भी कुछ दिन पहले आपने देखा तो वह था। अब देखिए पैनपेरो या अर्जेंटीना में और चिली उरुग्वे में बहने वाली ध्रुवीय ठंडी हवाएं हैं। यानी ध्रुव के तरफ से जो हवा चलती है तो ध्रुव के तरफ से जब हवा चलेगी तो वह शीत शुष्क ही होगी, उसमें हिम का कण ही होगा। तो इसका प्रभाव क्षेत्र जो होती है कि दक्षिणी अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे यह सभी क्षेत्र में पड़ता है। अब देखिए ग्रेगाले यह जो देखते हैं दक्षिणी यूरोप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र में, दक्षिणी यूरोप के जो देखते हैं भूमध्यसागरीय क्षेत्र के पास, तो इटली है, स्पेन है, रोम है, फ्रांस है, तो यह सभी क्षेत्र में जो देखते हैं मध्यवर्ती भाग से बहने वाली जो शीतकालीन पवने होती है उसको कहते हैं ग्रेगाले। तो देखिए यह भूमध्य सागर की तरफ जो बढ़ती है शीतकाल में जो ध्रुव की तरफ से चलेगी, तो क्लियर है कि। अब देखिए जूरा, यह जूरा पर्वत यानी स्विट्जरलैंड में देखते हैं कि जूरा पर्वत है, तो जूरा पर्वत से जेनेवा झील यानी इटली के तरफ रात्रि के समय में चलने वाली स्थानीय पवन है जो रात में ही चलती है, जो शीत शुष्क होती है उसको कहते हैं जूरन। मेस्ट्रो है
यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र के मध्यवर्ती भाग में चलने वाली उत्तरी पश्चिमी पवने हैं, मेस्ट्रो। अब देखिए पूना है तो यह एंडीज क्षेत्र में चलने वाली ठंडी पवन है। पापागायो, पापागायो यह मैक्सिको के तट पर चलने वाली तीव्र शुष्क और शीतल हवा है, यानी यह मैक्सिको के क्षेत्र को प्रभावित करती है, तटीय क्षेत्र को, पापागायो। अब देखते हैं पोनत, यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र में विशेषकर कोरिस्का तट तथा भूमध्यसागरीय फ्रांस जो होती है, भूमध्यसागरीय क्षेत्र का जो फ्रांस में वाली जो एरिया है, तो उस क्षेत्र के जो तापमान को गिरा देती है पोनत जब चलती है, तो यह भी शीतकाल में चलने वाली ही हवा है। अब देखिए बिरासेन, यह पेरू के तट पे तथा चिली के पश्चिमी तट पे चलने वाली समुद्री पवन है। विरासेन जो है समुद्र के तरफ से चलने वाली एक पवन है जो पेरू और चिली के तट पे चलती है पश्चिमी तट। अब देखिए दक्षिणी नॉर्वेस्टर, दक्षिणी जो है वार्सेस्टर है, तो यह न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स स्टेट है, वहां चलने वाली तेज और शुष्क ठंडी हवा जो है दक्षिणी वार्सेस्टर के नाम से उसको जाना जाता है। वाइज यह फ्रांस को प्रभावित करने वाली अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवन है, वाइज। तो अब देखिए लेवेंटर है, यह दक्षिणी स्पेन को प्रभावित करने वाली अत्यधिक शक्तिशाली पूर्वी ठंडा हवा है। तो अभी आपने देखा कि यह सभी लोकल विंड है, और इस लोकल विंड से भी आपको सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है। तो हमने आपको एक घाटी समीर, पर्वतीय समीर, स्थलीय समीर, सागरीय समीर, मानसूनी पवन, लोकल विंड। लोकल विंड में भी आपने देखा क्या, ग्रीष्म मतलब कि शीत शुष्क, उष्ण शुष्क, उष्ण आर्द्र, तो यह सभी हवा को देखे। अब चलिए स्थानीय पवन की कुछ विशेषता होती है तो उसको समझ लीजिए। जैसे स्थानीय पवन जो होती है कि सरफेस के सहारे ही प्रवाहित होती है, अधिक ऊंचाई ऊंचाई पर नहीं प्रभावित होता है। इनका नामकरण जो होता है कि वह क्षेत्र के में जो प्रभावित करता है, तो उस क्षेत्र में जिस प्रकार से वो अपना प्रभाव डालता है, उसी प्रभाव के आधार पर उसका नामकरण भी किया गया है। इन पर स्थानीय उच्चावच का बहुत अधिक प्रभाव होता है, यानी जो लोकल वहां रिलीफ होता है तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है लोकल विंड पर। इसके अपेक्षा देखिए ये पवन जो होता है उष्ण होता है, शीतल होता है, बर्फीली होती है, धूल भरी होती है, रेत से युक्त होती है, यानी रेत के कण को उड़ा के लेके चलती है, सैकड़ों किलोमीटर तक रेत को उड़ा के लेके चली जाती है, कहीं पे निक्षेप कर देती, तो देखिए इस प्रकार की नेचर वाली होती है। अब देखिए इससे जो होता है स्थानीय पवन जब चलती है तो वहां का जो लोकल जो एरिया है उसी की जलवायु का निर्धारण में यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी कहते हैं, तो वही लोकल विंड के कारण ही जिसको आप मानसूनी पवन कहते हैं, तो उससे ही भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कही गई है। ऐसा ही सभी का अपना अलग अलग है। अब देखिए कि अगला चलते हैं जेट स्ट्रीम पे। तो जेट स्ट्रीम जो देखते हैं क्षोभ मंडल का ऊपर वाली जो सतह होती है, वहां पे तीव्र गति से चलने वाली हवा को जेट वायुधारा कहते हैं। इसकी खोज 1945 में अमेरिका के पायलट के द्वारा किया गया था, जब वो अब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराने जा रहा था। तो उस फेज में जब वो ऊपर वाली लेयर में यानी क्षोभ मंडल के जो था, तो वहां पे जाने के क्रम में क्या होता था कि उसका जो है कि स्पीड घटा देती थी, इतना तीव्र गति से चलती थी वो जेट स्ट्रीम। जब वह रिटर्न हो रहा था तो तेजी से उसको धकेल दे रहा था, और इसके कारण वह अप डाउन
यानी उसकी जो थी कि जहाज का जो, तो वही जो थे कि उस हवा को जब उन्होंने आकलन किया तो उनके द्वारा या नामकरण किया गया जेट, क्योंकि वह जेट विमान से गए थे तो उसी के आधार पे इसको जेट स्टीम कहा गया। क्लियर। जो 150 किमी चौड़ी, 2 से 3 किमी मोटी एक संक्रमण पट्टी में होती है। इसकी गति जो देखते हैं 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, और जो उसका कोर होता है, कोर पर इसकी गति और बढ़ जाती है, वहां तो 325 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर हो जाता है। तो जेट स्टीम को आपने देखा, यह जेट वायु धारा जो है उत्तरी गोला, देखिए जेट वायु धारा का अधिक प्रभाव जो देखा गया है उत्तरी गोलार्ध में ही, दक्षिणी गोलार्ध में लगभग यह 9 के बराबर है मिलती है। प्रत्येक अक्षांश वृत्त के पास देखिएगा एक रोश्विन तरंग के रूप में भी देखा जाता है उस वेव को। और जेट स्टीम को जो होता है अक्षांश बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो देखिए इसको, यानी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर जो वायु दाब होती है, वह वायु दाब पेटी, वह जेट स्टीम को बहुत अधिक प्रभावित करती है। और उसके आधार पर जैसे यहां देखते हैं कि 4 प्रकार की जेट स्टीम को बताई गई है। तो प्रथम जेट स्टीम बताया जा रहा है ध्रुवीय रात्रि जेट स्टीम, यानी पोलर नाइट जेट स्टीम। यह जो है उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से पोल के तरफ यह देखी जाती है, मिलती है अक्षांश से ऊपर, अक्षांशों पर मिलती है। 60 डिग्री जो देखते हैं कि ऊपर ही अक्षांश, तो वहां पे जो जेट स्टीम जो चलती है, यानी तीव्र गति से जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे चलने वाली जो हवा है, उसको पोलर नाइट जेट स्टीम कहा जाता है। दूसरा देखिए ध्रुवीय वाताग्र जेट स्टीम। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्टीम जो है 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य सरफेस से 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी सरफेस से जो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले जाते हैं, वहां पे ध्रुवीय वाताग्र से, यानी जब वाताग्र उत्पन्न होती है ऊपर जब हवा उठती है, तो वहां जब ऊपर उठने के बाद जब वह हवा ऊपर चलने लगती है तो उसी को कहते हैं ध्रुवीय वाताग्र जेट स्टीम। जैसे आपने देखा ना कि पोल के तरफ से, इससे पहले बताए थे कि पोल के तरफ से ठंडी हवा आती है, इक्वेटर के तरफ से गर्म हवा आती है, जब दोनों टकराती है 45 डिग्री अक्षांश के पास, तो क्या होती है कि वहां वाताग्र की निर्माण होती है। गर्म हवा जो होता है कि ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। गर्म हवा अगर आक्रामक होती तो क्या होता है कि नीचे से जो ठंडी हवा को गर्म कर करके ऊपर की तरफ उठाते रहती है। तो जब वही हवा जब ऊपर उठ के चलने लगती है तो उस अक्षांश में जब चलती है तो उसी को कहा जाता है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्टीम। ठीक। तो देखिए तरंग, इसकी गति जो होती है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा, और वहां जहां यह चलती है वहां वायु दाब जो होती है वह 200 से लेकर 300 मिलीबार होता है। इसको स्वीडिश वैज्ञानिक रोसवी ने बताया था, यानी इस जो देखते हैं कि जेट स्टीम को, स्वीडिश के जो वैज्ञानिक रोसवी है तो उन्होंने इसको प्रथम बार बताए थे। इसी के कारण इसको रोसवी तरंग भी कहा जाता है, यानी बाता जो देख रहे हैं ध्रुवीय वाताग्र जेट को क्या कहा जाता है, रोसवी तरंग भी कहा जाता है। अब देखिए उपोष्ण पछुआ जेट, तो उपोष्ण पछुआ जेट जो देखते हैं 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हवा चलती है, 10 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जिसकी गति होती है 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से। वहां वायु दाब 200 से 300 मिलीबार होती है,
और उसी क्षेत्र में जो है कि यह जो है कि एक कारण है कि जो विषुवत रेखा से जो हवा गर्म होकर ऊपर उठी थी, वही हवा आगे बढ़ने के बाद जब 20 से 25 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जब यह पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होने लगती है उस सीमा पे, तो उसको ही जेट स्ट्रीम पछुआ जेट कहते हैं। क्षोभ सीमा पे जब प्रवाहित होती है, आपने देखा कि पोल के तरफ जो है कि जेट स्ट्रीम की प्रवाह जो क्षेत्र थी वह कम ऊंचाई पे था, इक्वेटर के तरफ चले तो उसकी ऊंचाई बढ़ गई। कारण है कि पोल के पास जो होती है कि क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है, जबकि ध्रुव इक्वेटर के पास क्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है। तो आपने देखा, अब देखिए कि यहां पे भारत में ही देखते हैं, भारत में जो देखते हैं कि दिसंबर और फरवरी के महीना में जो कहते हैं पछुआ विक्षोभ से जो बारिश होती है, देखते हैं ना दिसंबर जनवरी फरवरी में जो बारिश होती है उसको कहते हैं पछुआ विक्षोभ से हुई है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली यही जेट स्ट्रीम है। तो देखिए अब यहां तो समझ गए, चलिए देखिए उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। अब देखिए कि उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जहां अन्य तीन जेट स्ट्रीम जो है, आपने तीन और जेट स्ट्रीम जो देखा उसकी दिशा जो है पश्चिम से पूरब की तरफ थी, लेकिन उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसका दिशा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ है। ये केवल उत्तरी गोलार्ध में ही, यानी उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उत्तरी गोलार्ध में ही प्रवाहित होती है। यह 25 डिग्री अक्षांश के समीपवर्ती क्षेत्र में ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। जब ग्रीष्म का अब जैसे आगमन हो रही है भारत में ना, तो इस काल में ही देखिएगा कि 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के वृत्त के बाद एक जो होगा कि क्षोभ सीमा पर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होगी। इसकी गति इसको देखते हैं कि वहां पे जो उच्च ऊंचाई पे उसकी जो वायु दाब होती है वह 100 से 150 मिलीबार होती है उस क्षेत्र में। इस जेट स्ट्रीम की गति जो होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यह जो देख रहे हैं उष्ण देख रहे हैं यह जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानसून को आकर्षित करने का कार्य यानी अट्रैक्शन का कार्य किस जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के द्वारा होती है। क्लियर। अब देखिए गर्म एवं आद्र हवाओं के जब ऊपर उठते रहती है तो उसी फेज में जो होता है भारत में मानसून का आगमन होती है, और उस समय देखिएगा विस्फोट कहते हैं ना बादल फटती है, तो मानसून प्रस्फोट यानी कि विस्फोट होती है और बहुत सारी घटनाएं देखी जाती है। अब देखिए जेट धाराओं की उत्पत्ति में मुख्य कारण होती है यह पूर्वी रेखे विषुवत रेखीय क्षेत्र पर जो ध्रुव के तरफ जो उच्च तापीय प्रवणता होती है, यानी जेट स्ट्रीम को देखते हैं जब हम इक्वेटर से ध्रुव के तरफ चलते हैं यानी पोल के तरफ, तो तापीय विसंगति जो पाई जाती है यही तापीय विसंगति यहाँ जो है कि वह जेट स्ट्रीम के उत्पत्ति में यानी ओरिजिन होने में मदद करती है। अगर यह तापीय विसंगतियां नहीं होती तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति नहीं हो पाती यानी जेट धाराओं की। देखें अब इसमें देखिए वायु दाब कटिबंध के साथ जो है विस्थापन होती है जेट धाराओं का जो देख रहे हैं, जबकि यहां देखिए जब मार्च से जून के मध्य में जो देखते हैं जब सूर्य उत्तरायण, अब सूर्य क्या हो रही है उत्तरायण हो रही है, और जबकि सितंबर और दिसंबर के मध्य में जो देखते हैं सूर्य दक्षिणायन होती है,
उत्तरायण और दक्षिणायन की जब स्थिति होती है उस समय उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्धों में स्थल खंडों का अभाव होने के कारण, यानी देखते हैं सूर्य तो उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति हो रही है लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जेट स्टीम की उत्पत्ति न होने का कारण क्या है मुख्य, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों का अभाव होना, यानी एक ही सामान की वहां जो मिलती है जो सागर ही सागर, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में जो होती है अब देखिए ध्रुव रेखीय क्षेत्र में जो देखिए ध्रुव की ओर जाने वाली क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई तो बता ही चुके हैं जेट स्टीम रॉक्स भी तरंग भी देख लिया आप जो देख रहे हैं कि उन्होंने जैसा जो देख रहे हैं कि वह विद्वान थे रॉक्सवी महोदय, उन्होंने उसकी आकलन किए थे, इसी के कारण उस जेट को क्या कहा जाता है रॉक्सवी तरंग भी कहा जाता है। चलिए देखिए मित्रों मेरा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए। थैंक यू मित्रों।